बिहार की राजनीति में हुई थी उथल पुथल। महागठबंधन इंडिया में आएगा बदलाव। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर नहीं आएगा ये नेता। सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बिहार की राजनीति में करेंगे बदलाव। बिहार की राजनीति कब उथल पुथल हो कह नहीं सकते। एक ओर जहां महागठबंधन इंडिया देश के विपक्षी दलों को एकत्रित करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर नजर डाले तो नीतीश कुमार की सरकार किस ओर कब झुक जाए ये कह पाना कठिन है। जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अतीत देखकर पहले से ही यह आशंका बनी हुई है। नीतीश कुमार कब पाला बदल ले कहा नहीं जा सकता। महागठबंधन के साथ उनका जाना ही बेमेल है। इसकी वजह भी है, वजह है जिस आरजेडी के विरोध के बूते नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, आज वे उसी विरोधी पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन के नेता है। तो वहीं कई संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में भारत में हुआ G20 समिट के रात्रि भोज के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों समेत बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था। आमंत्रण मिलने के बाद बिहार सीएम नीतीश कुमार G20 समिट के रात्रि भोज के लिए दिल्ली गए और पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। लेकिन जब वे दिल्ली से वापस बिहार आए तो केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए खजाना ही खोल दिया। 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार को 3,884 करोड़ रुपए की राशि देने की अनुशंसा की थी। केंद्र ने रविवार के दिन पहली किस्त के 1942 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए। इस बीच एक नई बात यह सामने आ रही है कि बुधवार को दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हो रही विपक्षी दलों की समन्वय समिति की बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह नहीं जाएंगे। ललन सिंह डेंगू से पीड़ित है। समन्वय समिति में आरजेडी से तेजस्वी यादव और जेडीयू से ललन सिंह के नाम है। तेजस्वी तो मंगलवार को ही दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन ललन सिंह नहीं गए। ललन सिंह के बीमार होने की कोई आधिकारिक सूचना तो सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जेडीयू का हर नेता इसे उनकी बीमारी से ही जोड़कर देख रहा है। इस बीच नीतीश कुमार का राष्ट्रपति की दावत में शिरकत करने से इंडिया गठबंधन के नेताओं के कान वैसे ही खड़े हो गए हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 17 सीटें दी थी, इनमें 16 सीटें जेडीयू जीत भी गया था। बीजेपी भी इतनी ही सीटों पर लड़ी थी। इस बार बीजेपी ने सहयोगी दलों की संख्या भी बढ़ा ली है। अपने लिए बीजेपी ने 30 सीटें रखी है। अगर सीटों का बंटवारा करना पड़ा तो अपनी सीटों में से आधी सीटें बीजेपी नीतीश कुमार को दे सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश आखिरकार बीजेपी खेमे के साथ ही आ सकते हैं।